ओके ओके, मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल। देखिए बहुत जन होंगे जिन्होंने सोचा होगा कि चलो आज तो सत्वा टॉक्स मिस हो जाएगा, लेकिन देखिए आपने लिंक पे क्लिक किया, आप अंदर आ गए, तो आपने एक इम्पॉसिबल को तो अभी पॉसिबल कर दिया। अब आने वाले जो लाइफ के इवेंट्स है उसमें आप कैसे ये करोगे, इसके लिए आप ये सेशन देखो, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। बहुत सीनियर टीचर है आज हमारे सेशन में, संतोष भैया है, एंड वो 3 दिन पहले आने वाले थे जैसे आपको बताया गया था, लेकिन एक वीटीपी मीट के वजह से वो आज आए हैं। बट आज का सेशन वीकेंड का सेशन है। वीकेंड का सेशन मतलब अगले दिन संडे, संडे के दिन आप रेस्ट ले सकते हो। सैटरडेज को लोग ज्यादा एंजॉय करते हैं संडे के मुकाबले, तो आज ये सेशन भी आपका जो सैटरडे है वो और खूबसूरत बनाएगा। बने रहिए, स्किप मत कीजिए, दूसरा वीडियो देखने के बारे में तो सोचिए मत इस वक्त, कोई भी और वीडियो। हाँ गुरुदेव का है तो बात अलग है, इस वीडियो से ज्यादा कोई और वीडियो शायद ही इम्पोर्टेंट होगा, बिकॉज इन दिस सत्वा टॉक्स मैजिक हैपेंस, ट्रांसफॉर्मेशन हैपेंस। यकीन नहीं आता तो देख के विटनेस कीजिए। और सत्वा टॉक्स का एक पर्पस है कि लोगों के चेहरे पे स्माइल लेके आए, लोगों की लाइफ सेलिब्रेशन बनाए, ढेर सारे लोगों की लाइफ में खुशियां लेके आए भर भर के, और एक स्ट्रेस फ्री वायलेंस फ्री सोसाइटी बनाने का हम सब मिलके प्रयास करें। यही गुरुदेव का विजन है, गुरुदेव के विजन को अपना मिशन बना लिया है, बना ही लिया है अब पूरी तरह तो और इसी को लेके आगे बढ़ रहे हैं। एंड आज हमारे साथ संतोष जी हैं, तो उनको जस्ट इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा मैं। हाँ जैसे आपको पता है कि इतने दिन से गोवा के टीचर्स आ रहे हैं, सो ही इज द मेन एसटीसी ऑफ गोवा, स्टेट टीचर कोऑर्डिनेटर है गोवा के, वीटीपी कोऑर्डिनेटर भी है गोवा के, एंड ही इज अ काउंसिल मेंबर ऑफ जीईपी गोवा, एंड कई सारे कोर्सेज लेते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के हैप्पीनेस प्रोग्राम, आई एक्सेल, होलिस्टिक वेलबींग, टैपिंग योर इनर पोटेंशियल फॉर सक्सेस वेलनेस प्रोग्राम, डायनामिज्म फॉर सेल्फ एंड नेशन डीएसएन, वॉलेंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम वीटीपी, श्री श्री योगा लेवल 1, 4 साल बीडीएस कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, और कई सारे कोर्सेज भी उन्होंने अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पे कंडक्ट किए, जैसे मारमोंगाओ पोर्ट ट्रस्ट क्लब, एलआईसी इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ, कॉरपोरेशन बैंक, एम्प्लॉइज एसोसिएशन फॉर आईएफबी, GIPARD, और अभी रिटायर्ड है, ही वाज अ जनरल मैनेजर ऑफ सेल्स, एंड टुडे टुडे द वेट इज ओवर, ही इज हियर विद अस। संतोष सर, संतोष भैया बहुत बहुत स्वागत है आपका इस भक्तों के संघ में, यहाँ पे पूरे दुनिया से लोग जुड़ते हैं और हम सब यहाँ पे जान ज्ञान चर्चा करते हैं, गुरुदेव के बारे में जानते हैं। यस संतोष भैया, आपसे जानना चाहेंगे कुछ ऐसे इम्पॉसिबल्स जो कभी लोगों को लगते हैं, वो भी क्या उन्हें पॉसिबल किया जा सकता है, आपके भी कुछ किस्से सुनना चाहेंगे। यस सर, यस भैया, प्लीज अनम्यूट, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट, आप म्यूट है। जय गुरुदेव अभिषेक जी, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने काफी बड़ा इंट्रोडक्शन दे दिया। आप तो जानते होंगे गोवा में हिंदी थोड़ी कम रहती है, तो हिंदी बोलते समय थोड़ी दिक्कत आती है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा पूरी हिंदी में बोलने की, बीच में कभी कभी अंग्रेजी का भी हेल्प। सो जो चलेगा टॉपिक भैया, है जैसे मिक्स मिक्स। जी, थैंक यू सो मच। सो मेकिंग इम्पॉसिबल पॉसिबल, तो छोटी छोटी चीज हमने काफी बार सुनी है, जैसे अपना पर्सनल लाइफ में कुछ ये नहीं होता है, वो नहीं होता है, एंड देन इट हैज हैपेंड। लेकिन और ज्यादा बड़े तौर से हम देखेंगे ना, तो भी इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है गुरुजी के सानिध्य में हम रहेंगे तो। एक किस्सा है अपने गोवा के बारे में। गोवा का पहचान ऐसे है कि ये टूरिस्ट स्पॉट है, सब लोग आराम से जीते हैं, यहाँ पे सुस्त रहते हैं, और यहाँ ज्यादा काम से ज्यादा क्या बोलते हैं, इंजॉयमेंट ज्यादा रहता है।
सो दैट इज द कल्चर ऑफ गोवा नोन एवरीवेयर ऑल ओवर द वर्ल्ड. और गोवा में हमें विज्ञान भैरव आयोजन करने का सौंप दिया था. तो वैसे देखा तो गोवा का पॉपुलेशन ज्यादा नहीं है, इट्स हार्डली अबाउट 16 to 17 lakhs फ्लोटिंग पकड़ के. और वैसे बॉम्बे पुणे जैसे यहाँ कॉरपोरेट कल्चर भी नहीं है, और फर्स्ट टाइम अदर देन कॉरपोरेट सिटीज गोवा जैसे प्लेस में विज्ञान भैरव था. और जो हमें डेट्स दी थी वो गणेश चतुर्थी के समय. तो गणेश चतुर्थी के समय यहाँ त्योहार जैसे महाराष्ट्र में होता है वैसे गोवा में भी काफी बड़े दौर पे सेलिब्रेट किया जाता है. तो अंदर से सबका थोड़ा किचकिच था कैसे हो जाएगा आफ्टर ड्यूरिंग गणेश फेस्टिवल टाइम, इट्स इम्पॉसिबल दैट पीपल विल कम फॉर दिस, पीपल विल एंड दैट टू अ पेड इवेंट, फर्स्ट टाइम हो रहा है गोवा में, कैसे हो जाएगा. सो दिस वॉज गोइंग ऑन. हमने काफी मीटिंग्स ले ली, सबके साथ डिस्कस कर दिया, सबके दिमाग में यही चल रहा था. लेकिन स्टेडियम बुक किया था, लोगों ने टिकट्स बुक की थी, होटल भी बुकिंग किया था, और जितना हमें चाहिए था उतना बुकिंग नहीं हुआ था. सो हमारे मन में दुविधा थी कैसे हो जाएगा, कैसे हो जाएगा. सो फाइनली वी मेट गुरुदेव एंड ऑल कोर कमिटी मेंबर्स, आश्रम में आके गुरुदेव से जो कुछ हो रहा है उसके बारे में बता दिया गुरुजी. तो गुरुजी ने कहा ठीक है हम डेट्स थोड़े पोस्टपोन करेंगे. सो ही पोस्टपोन द डेट्स टू सम एक्सटेंट. और बाद में गुरुजी ने एक ही सेंटेंस कहा, मेरे कोर्स में कोई आते नहीं ऐसे कभी हुआ है क्या? दैट वॉज द ओनली वन सेंटेंस. वो एक वाक्य से पूरी दुनिया बदल गई. जब हम वापिस आ गए यहाँ तो इट वॉज कंप्लीटली डिफरेंट. हमने छोटी छोटी टीम्स बनाई और मेरे साथ ब्रह्मचारी संतोष जी जुड़ गए और अपने और एक टीचर आशीष नार्वेकर भी मेरे साथ जुड़ गए. और हम तीनों ने पूरा बैग बिस्तर सब गाड़ी में रख के जहां जाते हैं वहां रखने का करके हम घूमते थे. और ऐसा किया कि टू ऑल एक्सटेंड एवरी टीचर का सपोर्ट लेने का, एवरी वॉलेंटियर का सपोर्ट लेने का, सब जगह हम घूमते थे. जो भी इंस्टीट्यूट था उनके पास भी जाते थे. और इसके बीच में किसी ने ऐसी अफवाह फैलाई कि ये कोर्स कैंसिल हो गया, गुरुजी नहीं आ रहे करके. आश्रम में भी ऐसा मैसेज आ गया कि इट इज नॉट हैपनिंग, इट इज कैंसिल. सो दैट वाज अनदर शॉक. जो भी बुक करने जाए थे वो कहते थे कि कोर्स कैंसिल हो गया, हम क्यों बुक करें. तो फिर मैं आश्रम आके मैंने जहाँ किचन के बाहर डेस्क लगा दिया ना, वहां पूछा मुझे कोर्स करना है गोवा में विज्ञान भैरव. वो भी बोलने लगे गोवा में नहीं है करके. देन आई आस्क्ड हू टोल्ड यू, दे वर नॉट एबल टू टेल हू टोल्ड. बाद में मैं जाके एनटीसी ऑफिस में जाके उनको बता दिया ऐसी गलत फहमी फैला रही है कि गोवा में नहीं है, उसको जरा थोड़ा दुरुस्त करना. एंड देन एवरीवेयर द वर्ड वाज स्प्रेड इट इज हैपनिंग. तो फिर गोवा आने के बाद फिर से हमारे ऊपर प्रेशर था हाउ टू डू दिस पेड इवेंट. काफी बड़ा टारगेट था, कभी भी हमने किसी ने भी पहले नहीं किया था, इट वॉज रियली इम्पॉसिबल. और जिन्होंने पहले बुक किया था उनका उस समय वो फ्लाइट जो रहता है ना, वो यू कैन नॉट एडजस्ट दैट टिकट, आइदर यू ट्रेवल और कैंसल द टिकट. तो वो लोग भी फिर से आने के लिए नहीं चाहते थे क्योंकि उनके टिकट तो ऐसे ही जाएंगे. सो उसी दिन जिस दिन उन्होंने बुक किया था पहले डेट पर उसी दिन पर वो आने वाले थे. सो हाउ टू गो अबाउट, होटल बुकिंग भी एडजस्ट नहीं कर रहे. एंड स्टिल वी सेड ओके, गुरु जी ने तो कहा है अपने कोर्स में कोई नहीं आता ऐसे हुआ है क्या. इट्स वन थिंग इन द माइंड. हम सब जगह घूमने लगे, हर एक टीचर के पास जाके उनको जितना इंस्पायर कर सकते थे उतना इंस्पायर करने लगे. सत्संग भी ऑर्गेनाइज कर दिया और हर एक टीचर के पास से हमने कमिटमेंट लिया. उन्होंने खुद अपना अपने पर्सनल अकाउंट से चेक लिख के हमको दे दिया कि इतने हम कमिट कर रहे हैं, दिस इज द चेक, यू कीप इट विथ यू. सो ऐसे जितने जितने टीचर के पास हम जाते थे कि उनके पास कोई रजिस्ट्रेशन नहीं था फिर भी वो अपने पर्सनल चेक निकाल के देते थे, यस वी आर कमिटिंग सो मच, वी आर कमिटिंग सो मच, वी आर कमिटिंग सो मच. ऐसा करके करके ऑल द टीचर्स जाके हम चेक तो ले लिया, लेकिन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, नहीं तो कोर्स कैसे बन जाएगा. सो बी गिवन, गुरुदेव आ रहे, काफी लोग आ रहे, ऑल्सो टू हेल्प फ्रॉम नेबरिंग स्टेट कर्नाटक और महाराष्ट्र. वहाँ के टीचर से एसटीसी से भी बात करके हमने बताया कि हाँ वी नीड योर, अपना आपका सहयोग हमें चाहिए.
एक बात पहले थी, वो स्टेडियम जो पहले डेट पे बुक किया था वो नेक्स्ट डेट पर शिफ्ट करना था, दैट आल्सो डिफिकल्ट टास्क, बट दैट आल्सो बिकेम पॉसिबल एज पर देयर टर्म्स. ऐसे शिफ्टिंग नहीं करते वो, द डिपॉजिट व्हाटएवर वी आर गिवन गोस, बट फिर भी दे भैया का लगता है थोड़ा सा नेट का वो इश्यू है, तो वो आएंगे. तब तक आपका मन कर रहा होगा कि चलो छोड़ो दूसरा कुछ देख लेते हैं, मेक दिस इम्पॉसिबल पॉसिबल. आप लोग इसी चैनल पे रुके रहिए, भैया आएंगे. दिस इज द टेस्ट हाउ यू कैन कंट्रोल योर माइंड. बहुत मन सोचेगा कि चलो ठीक है. अभी कितने लोग हैं यहाँ पे यूट्यूब में, 16 और इसमें 37, एक भी जन ज्यादा नहीं चाहिए, बढ़ गया अभी इधर तो. अच्छा, जस्ट चेक योर माइंड हाउ यू कैन वेट एंड हाउ यू कैन हैव पेशेंस कि आप इसे सुनो. क्या पता आपके लिए कुछ ऐसी काम की चीज आगे बताने वाले हो जो आपको इस वक्त बहुत जरूरी हो. यहाँ पे अभिषेक जी, yes 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 भैया, we were waiting, कोई भी कम नहीं हुआ. okay, yes okay. there was some internet issue looks like. yes yes now it's fine. ये थोड़ा सा मिस हुआ एक मिनट पहले का, तो आप वो वहां से शुरू कीजिए. okay so stadium जो बुक किया था हमने उसकी डेट चेंज करनी थी, एंड ऐसे आसानी से वो एडजस्ट नहीं करते, व्हाटएवर डिपॉजिट्स वे गिवन वो तो हमारा जाता है, बट फॉर्चुनेटली नई डेट्स थी उस समय, कोई प्रोग्राम नहीं था, and with the pressure of using whatever contacts jo tha, we could adjust the new dates with the stadium, so that thing was done. Uske baad stage karna tha, which should be totally different from what has done by others, aur sabke liye rehne ka intizam, aur since stadium to kafi shehar se dur tha, so dopahar ke samay we thought we'll offer some lunch packets to participants, wo bhi organize karna tha. क्योंकि ब्रेक के समय नजदीक कुछ रेस्टोरेंट वगैरह कुछ ऐसा कुछ नहीं था जहां लोग जाकर कुछ खाकर वापस आ सकते थे, सो वी थॉट ऑफ प्रोवाइडिंग समथिंग टू ईट टू देम, अ लंच पैकेट सॉर्ट, सो वो भी ऑर्गेनाइज करना था, लोगों का पार्किंग ऑर्गेनाइज करना था, एंड जो बाहर से कई लोग आके जाने वाले थे, सो दे वेर नॉट सपोज टू स्टे फॉर 2 days, उनके लिए भी टेम्पररी अरेंजमेंट करना था. So there was lot of work and plus stadium to full hona chahiye tha. So it was a big, big challenge for us. Aur kehte hai na ki jo kuch humne pehle kiya hai wo wapis karenge to usme kuch maja nahi rehti. So we were only thinking impossible things in front of us. Impossible targets were there, impossible task was also there. So kaise kiya jaye? Lekin baar baar mein wohi cheez man mein aati thi. Guruji ne to kaha hai ki अपने कोर्स में कोई आते नहीं, ऐसे कभी हुआ है क्या? That was the strength we were having. And amazingly, surprisingly, जहां जहां जाते थे कुछ भी दिक्कत आ गई तो भी कुछ सोल्यूशन आता था. Some or the other way we could see different things. And नए नए लोग हमसे जुड़ रहे थे, अपार्ट फ्रॉम टीचर्स नए वॉलंटियर्स जुड़ रहे थे, नए लोग भी जुड़ रहे थे जिन्होंने कभी काम नहीं किया वो भी जुड़ रहे थे. और हमने भी ऐसे सोचा कि अभी इतने लोग जुड़ रहे हैं तो उनको भी गुरुजी के साथ एक मीटिंग करवाएंगे, उनको हर एक आदमी को अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो भी गुरुजी से मिले. सो कैसे करेंगे उसका भी हम सोच सोच के एक प्लान कर दिया. जब भी गुरुजी होटल से वेनू पर आएंगे तो हर एक का एक एक का टीम बनाएंगे, रिसीव करने के लिए एक, लाने के लिए एक, बाद में स्टेडियम पर अलग टीम. सो एवरीबडी वॉज गिवन टास्क so that उनके सामने से गुरुजी जाएंगे and they could meet गुरुदेव one way or the other. so none of the volunteers or teachers was left out, those who had participated in organizing things. so ये सब कुछ plan कर दिया. venue के ऊपर जाकर हम अपना गुरु पूजा करते थे बार बार जाके, so that the vibes are there. even काल भैरव chanting भी हमने शुरू कर दिया. So that काल भैरव का विज्ञान भैरव भैरव का था. सो इन अ ग्रुप्स वी यूज्ड टू गो देयर, वी यूज्ड टू चैंट काल भैरव आल्सो. सो जिस साइड से कुछ कुछ करने का था वो सब कुछ कर रहे थे. और जैसे जैसे डेट नजदीक आ रही थी वी वर फाइंडिंग दैट फ्रॉम नो वेयर पीपल वर रजिस्टरिंग.
सरप्राइजिंगली इतना रजिस्ट्रेशन आ रहा था कि बियॉन्ड अवर थॉट. इवन लास्ट डे जिस दिन कोर्स शुरू होने वाला था उस समय भी लोग आकर रजिस्टर करने लगे. एंड फाइनली वी कुड सी द हॉल वॉज इट वॉज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशन. हमारी क्षमता से कई कई काफी काफी दूर था बट वी कुड ऑल डू इट एज अ टीम. और कोर्स तो शुरू हो गया, एवरीबडी वॉज देयर. एंड आफ्टर द कोर्स वॉज ओवर पीपल गॉट अमेजिंग एक्सपीरियंस. जैसे गुरु जी के किसी भी कोर्स में जाएंगे जैसे मिलता है. सो दैट वॉज हियर इट वॉज ए वेरी वेरी अमेजिंग एक्सपीरियंस. जिन लोगों ने बॉम्बे में अटेंड किया था विज्ञान भैरव या दूसरी जगह अटेंड किया था और गोवा में फिर से उन्होंने अटेंड किया था तो वो लोग कहने लगे ओ हियर इट वॉज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, यू ऑल ऑर्गेनाइज इट वेरी वेल. तो मन में कह रहे थे हमने कहा ऑर्गेनाइज किया है, सब तो गुरुदेव कर रहे हैं लेकिन लोग हमसे बोल रहे हैं वी हैव डन इट वेरी नाइसली, वी हैव डन इट वेरी नाइस. सो इट वॉज क्या बोलते हैं नॉट हमारे तो काबिलियत में नहीं था इतना बड़ा करना इवेंट. पहली बार गोवा में हुआ था पेड इवेंट, दैट टू हाई डोनेशंस और नंबर ऑफ पीपल वेर ऑल्सो हाई कंपेयर टू द पॉपुलेशन ऑफ गोवा. जबकि गोवा में जो मेन सोर्स माइनिंग था माइनिंग भी बंद था, वहां से तो भी रिसोर्सेज नहीं थे. इंस्पायर्ड ऑफ दैट इट हैपेंड एंड इट वाज इट वेंट वेरी वेल. सो दिस इज वन ऑफ द थिंग्स वेर इन इम्पॉसिबल थिंग पॉसिबल करके दिखता है. अपार्ट फ्रॉम दिस एक जो लोगों के मन में आता है वॉलेंटियर्स के मन में कि लोग कैसे इतना मींस जो नहीं होता है रजिस्ट्रेशन कैसे लेके आएंगे, तो आप लोगों को ऐसा डाउट आया तो आपने कैसे वो रजिस्ट्रेशन का साइकिल कैसे चलाया, क्योंकि वो नहीं होता है हाँ देखते हैं सोचते हैं हाँ ठीक है कोई मना नहीं करता फर्स्ट राउंड में, लेकिन एक चीज होता है ना कि कैसे रजिस्टर करेंगे इतने सारे लोगों को, तो वो उसके हाँ. लिए क्या स्ट्रेटेजी. हाँ ये तो बहुत बढ़िया प्रॉब्लम था यहाँ पे, क्योंकि यहाँ डोनेशन स्ट्रक्चर भी ज्यादा था. नॉर्मल अपने कोर्स में तो स्ट्रक्चर इतना नहीं रहता डोनेशन का, विज्ञान भरा होने से उसका डोनेशन स्ट्रक्चर ज्यादा था. और रजिस्ट्रेशन करना इट वाज अ चैलेंज, इट वाज अ रियली बिग चैलेंज. तो पहले हमने अपने टीचर के दिमाग में डाल दिया कि ये होने वाला है, जैसे गुरु जी ने हमें कहा था कि अपने कोर्स में लोग आते नहीं ऐसे कभी हुआ है क्या. सो दैट फर्स्ट थिंग अपने दिमाग में हमने क्लियर कर दिया कि ये चीज होने वाली है, कुछ भी करो दिस विल हैपन. गुरुजी ने जब बोला है तो होना ही होना ही है. सो द सेम थिंग वी ट्रांसफर्ड इन द टीचर्स एंड वॉलेंटियर्स माइंड, कम व्हाट मे दिस कोर्स इज गोइंग टू हैपन. और गुरुजी ने हमें मौका दिया है इस कोर्स में हमें कुछ करने के लिए. सो वॉट एवर इट इज वी विल डू इट. और पहले जैसे कहा कि उनका दिमाग जस्ट यस माइंड में आ गया एंड व्हेन दे फेल्ट यस इट इज गोइंग टू हैपन, उन्होंने खुद का पर्सनल चेक दे दिया हमें इन लैक्स ऑफ रुपीस सेइंग दैट ओके आई विल गेट 25 पीपल, आई विल गेट 50 पीपल, आई विल गेट 100 पीपल, और चेक हमें दे दिया. दे वर नॉट हैविंग सो मच डिपॉजिट इन देयर अकाउंट ऑल्सो, एज अ कमिटमेंट उन्होंने दे दिया. वी डिडंट यूज दोस चेक्स, बाद में उन्होंने रजिस्टर करके पैसे ले लिए लोगों से एंड वी हैव बी रिटर्न्ड दोस चेक्स बैक टू देम. लेकिन एज अ कमिटमेंट इट इज नॉट अ इजी थिंग, कोई अपना चेक निकाल के नहीं देते, लेकिन एज अ कमिटमेंट व्हेन इन देयर माइंड दे वर फर्म हमसे हो जाएगा करके दे गिव इट. एंड वी यूज्ड टू मीट देम अगेन एंड अगेन, बार बार उन्हें हम मिलते थे और उनको सपोर्ट देते थे. और उन्हें ये भी कहा था कि जब आप बात करेंगे और कोई किसी ने हाँ कह दिया तो उसको और अपॉर्चुनिटी नहीं देना कि बाद में देखेंगे और करेंगे, क्योंकि वी आर गेटिंग रजिस्ट्रेशंस फ्रॉम ऑल ओवर द इंडिया. इतना ही नहीं बाहर से भी, फॉरेन से भी, गोवा इज नोन अब्रॉड ऑल्सो, तो वहां से भी आते थे. सो दैट ऑल्सो वो झलक उन्हें हमें बताई थी कि ऐसे भी हो रहा है. तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप लेट आज रजिस्टर करेंगे तो आपका सीट पीछे पीछे होते जाएगा या नहीं मिलेगा. सो दैट प्रेशर वॉज ऑल्सो पुट ऑन एवरीबॉडी एंड इट वर्क्ड. और हम हर रोज जैसे कहा कि अपनी जो साधना है वो करते थे, साधना वॉज देयर विथ एवरी वन ऑफ अस. सो इन ग्रुप साधना भी हमने शुरू की थी. ग्रुप साधना से जब जाते थे तो एस माइंड अपना भी होता था एंड दोस टू होम वी वर टॉकिंग दैट वॉज ऑल्सो है. सो दैट वॉज द पावर. और दिमाग के पीछे बिहाइंड अवर माइंड वी यूज टू नो इट इज गोइंग टू हैपन, इट इज गोइंग टू हैपन.
सबके दिमाग में यही डाला था ये होने वाला है करके, एंड दैट वॉज द स्ट्रेंथ एंड इट हैपेंड, दैट इज हाउ इट इज। और ऐसे काफी किस्से हैं जहां इम्पॉसिबल इम्पॉसिबल लगता है और होता है। यस भैया प्लीज सुनाओ। आई टेल यू माय फर्स्ट केस, जब मैं वॉलंटियर था उस समय की बात है, और ऋषि नित्य प्रज्ञा का मेगा हैप्पीनेस प्रोग्राम गोवा में रखा था, अपने संगीता हेगड़े हु वाज हियर लास्ट टाइम एंड डॉक्टर हेगड़े, उन्होंने मड़गांव में उनका कोर्स ऑर्गेनाइज किया था, और उस समय वॉलंटियर था मैं। और जैसे आज हमें अष्टवक्र गीता की ऐप पर दिखाई देता है या सीडी मिलते हैं, वैसे उस समय हमारे वो कंट्रोल था, सिर्फ टीचर्स को ही सीडी मिलती थी अष्टवक्र गीता की, और टीचर के घर या टीचर जहां ऑर्गेनाइज करते हैं वहां अष्टवक्र गीता लगती थी, एंड वी यूज्ड टू गो देयर सीट एंड लिसन एंड कम बैक। तो मैंने जस्ट अष्टवक्र गीता सुनना वो पूरा कंप्लीट किया था, और बाहर आने के बाद वो जो डर था ना वो मन में कुछ भी नहीं था, आई वॉज आउट ऑफ दैट फियर, बिकॉज फियर इज वन थिंग विच टेक्स अस अवे, दैट वॉज टोल्ड इन अष्टवक्र गीता, सो आई वॉज क्लियर, सो इट वॉज नॉट देयर। और एवरी डे शाम को ऋषि जी हमें वॉलंटियर के साथ मीटिंग लेते थे और पूछते थे और हमें एंकरेज करते थे, तो वो पूछ रहा था कि किस किस को जो डर है ना वो बता देना, एंड यू भैया आपका थोड़ा सा अपना डर बोलते मुझे डर नहीं है बोला नहीं है, और जोर से पूछने लगे भैया थोड़ा नहीं लग रहा है, मिस हो गया भैया लास्ट का 30 seconds। ओके ओके आई विल रिपीट। ऋषि जी सब वॉलंटियर के साथ बैठ के हमें इंस्पिरेशन करते थे और हमें गाइड करते थे, तो उस समय एक प्रोसेस था जहां ऋषि जी बोलने लगे कि जिसको जिसको जो कुछ डर रहेगा आप वो समर्पित करना और उससे बाहर निकल। तो हर एक जो वॉलंटियर था, मैं भी वॉलंटियर था, तो हर एक अपना अपना कुछ बोल के दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट फियर। जब मेरा टर्न आ गया तो मैंने बोला मुझे कुछ भी डर नहीं, तो जोर से ऋषि जी पूछने लगे डर नहीं है क्या, मैंने बोला नहीं है, क्योंकि मुझे सचमुच डर नहीं था, और जोर से पूछने लगे मैंने नहीं है, 3-4 बार पूछा तो मैंने बोला नहीं है करके, तो देन ही सेड ओके देखेंगे बाद में देखेंगे। सो द नेक्स्ट डे अगेन सेशन था, उस समय आ गए तो मैंने प्रणाम कर दिया वो एंटर करते समय, तो ऐसे जाते जाते समय ऋषि जी बोलने लगे व्हाई डोंट यू बिकम टीचर, देन आई सेड आई एम प्रेजेंटली हैंडलिंग द इम्पोर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और टीचर बन गया तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, सो आई हैव टू जस्टिफाई माई टीचर रोल। तो इतने में ऋषि जी इतने जोर से चिल्लाए डर गए ना करके सबके सामने, बाहर रास्ते पर ही थे, हॉल में भी नहीं थे, ऋषि जी शाउट्स एनीवेयर यू ऑल नो अबाउट इट, तो इतने जोर से गुस्सा करने लगे डर गए ना, कल बोल रहे थे डर नहीं रहे और अभी डर गए ना, सो आई कुड रियलाइज यस दैट इज सम फियर इज देयर, दैट इज व्हाट इट इज। सो उसके बाद ऋषि जी ने मुझे ऐसे ऐसे झापा और बोला हु आर यू टू डिसाइड, you are nobody to decide, it is gurudev who is going to decide, you cannot decide what it is, so I said okay fine, so us din se I took it that whatever that mujhe jo jitna scolding diya tha I took it in a positive way, and us din se maine decide nahi kiya ki okay I am not going to decide kya karna hai kya nahi karna, और जो जो चीज मेरे सामने आती है उस दिन से आई एम एबल टू डू। एक्चुअली सिंस बीइंग अ जनरल मैनेजर सेल्स मेरे पास काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, और उस समय टीटीपी 2 सेशन में होता था, TTP 1 TTP 2, और इतना लंबा लीव लेके जाना इट वाज अ बिग जॉब, इवन टिल द लास्ट मिनट इट वाज हैपनिंग ओके कैसे हो जाएगा कैसे हो जाएगा, बट एट द लास्ट मिनट आई हैड टू गेट लीव एंड आई कुड गो फिनिश माय टीटीपी। सो जब भी मैंने देखा है सिंस आई सेड ओके ऋषि जी ने बताया है कि आई एम नॉट सपोज टू डिसाइड, गुरुदेव इज सपोज टू डिसाइड, आई वॉज नॉट डिसाइडिंग, इट वॉज जस्ट हैपनिंग। बहुत बार ऐसे हो गए, एक बार तो ऐसे हो गया हमने TTP 1 कंप्लीट करने के बाद व्हेन वी आर रिटर्निंग फ्रॉम बैंगलोर टू गोवा देर वर नो टिकेट्स बिकॉज एक साथ कुछ 5-6 दिन की छुट्टियां आई थी, कुछ होली था कुछ और कुछ
संडे सैटरडे संडे था और कुछ त्योहार था, बिकॉज देर वॉज 4-5 days हॉलीडेज, सब लोग लीव लेके जा रहे थे. तो हमने वहां से बस ट्राई की, नहीं मिल रहा है, ट्रेन ट्राई किया, नहीं मिल रहा है, फ्लाइट्स नहीं मिल रहे थे, एवरीथिंग वॉज फुल एंड वी हैड डिसाइडेड टू गो. सो वी स्टार्टेड चेकिंग अप क्लोज बाय टू गोवा क्या है, बेलगाम है, कारवार है, हुबली है, इवन दैट वॉज नॉट पॉसिबल. सो वी सेड वी विल नॉट गिव अप करके. एंड यू विल नॉट बिलीव, लास्ट मिनट 8:30 जो बस आता है उसमें हमें दो सीट मिले और वी कुड कम टू गो. सो दिस वॉज रियली इम्पॉसिबल बिकॉज वी आस्क फॉर अ टैक्सी ड्राइवर, ही वॉज आस्किंग हेल ऑफ अ मनी, आपको गोवा जाना है तो इतने इतना पैसा देना पड़ेगा. कैबिन सीट भी पूछी थी हमने बस में, वो भी नहीं मिल रही थी, इट वॉज टोटली फुल. और इंस्पायर्ड ऑफ दैट, जैसे बोला ना इम्पॉसिबल पॉसिबल होता है, लास्ट मिनट हमारे लिए कुछ VIP सीट रहती है, दे वर देयर एंड वी कुड गेट दोस गुड सीट्स इंस्पायर्ड ऑफ बिग बिग रश एंड विदाउट पेइंग एनी एक्स्ट्रा अमाउंट. I will tell you one recent case also. Very recently, just in the month of February, I had gone to Sweden. And उस समय भी कोरोना का चक्कर चल रहा था, तो I had visa मिला था मुझे, लेकिन visa पर एक clause था. It is subject to border security police acceptance. ने visa के बावजूद भी, even after reaching border, यानी on airport, वो पुलिस वहां की स्वीडन की पुलिस बोल सकते हैं यू आर नॉट अलाउड, देन आई हैव टू गो बैक. सो विद दैट माइंडसेट आई हैड गॉन. सो जब मैं वहां गया तो गोवा में टेम्परेचर था, एम आई ऑडिबल? जय गुरुदेव. यस यस. ओके ओके. सो जब मैं स्वीडन गया, इट वॉज थ्रू जर्मनी. पहले तो जर्मनी में एक थोड़ा सा चक्कर हो गया, यानी वेयर द सिक्योरिटी चेक्स आर डन, मेरा बैगेज में उसने बोला पॉजिटिव है करके. सो आई वाज नॉट नोइंग व्हाट इज दिस पॉजिटिव. मैंने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लिया था, PCRT टेस्ट सब कुछ लेके गया था, एंड देयर वाज नथिंग लाइक दैट. आई हैड नो टेम्परेचर, नो कफ, नथिंग. सो सिक्योरिटी चेक में पॉजिटिव बोल दिया, तो आई वॉज स्कैर्ड लाइक व्हाट हैपेंड. सो द मोमेंट आई एंटर्ड द डेसेड, यू हैव टू स्टे हियर, यू विल बी चेक्ड अगेन. So your bags are identified positive. 10 minute ho gaye, 15 minute ho gaye, koi nahi aa raha tha. And I had a connecting flight for Sweden. So I said, kya ho raha hai? Why am I being kept aside? What is positive in that? So us samay log thode kam the, nahi to German log thode, they are very difficult to talk also. Somehow one guy said, your baggage has been identified positive for explosives. To main shant ho gaya. क्योंकि पॉजिटिव फॉर कोरोना था, तो आई वाज स्कैर्ड, यहाँ कुछ क्वारंटाइन करेंगे, कुछ होटल में डालेंगे, कुछ अस्पताल में डालेंगे, देन आई फंस गए. सो व्हेन ही सेड इट इज फॉर एक्सप्लोसिव्स, देन आई केम टू नो नथिंग सीरियस नाउ, आई बिकॉज आई वाज नॉट कैरिंग एक्सप्लोसिव, मैंने बैग भी किसी के हाथ में नहीं दिया, सो आई नो इट वॉज फ्री फ्रॉम. सो व्हेन आफ्टर सम टाइम व्हेन बॉर्डर पुलिस केम, दे चेक्ड द बैग्स एंड दे सेड लड्डू थे खाने के लिए लेके जा रहा था. सो आई डोंट नो वेदर दे आइडेंटिफाइड दैट एज पॉजिटिव एक्सप्लोसिव्स और समथिंग. So he cleared, I went. Then I reached Sweden. Goa mein temperature tha around 32-33 degrees centigrade. Aur jab main Sweden pahuncha to wahan temperature tha -2 degrees centigrade. Airport par pura barf tha, only runway clear kiya tha unhone. Aur main to minus temperature ya zero temperature mein kabhi nahi gaya hoon. Now I am 63 years old. I don't know kabhi kya ho jayega udhar karke. So somehow those border police didn't object for me anything, they allowed me to go, no objection was taken. But airport ke bahar aane ke baad -2 degree centigrade aur tezi se hawa chal rahi hai, it is not only cold temperature, hawa bhi chal rahi hai. I said abhi kya ho jayega pata nahi. My son-in-law had come to pick me up, he picked me up, and the moment I sat in the car I felt little good. So now I was worried, is temperature mein abhi kya ho jayega, whether I able to sustain or not. Because kabhi bhi maine, I have never gone through such a thing, snowfall and all that thing. But believe me, my kriya was on, meri padma sadhana chalu thi, meditation chalu tha, everything was there. For 3 months I stayed, ek khasi bhi nahi hai mujhe. I was perfectly okay. Not only that, main jab bhi bahar jata tha, sometimes I used to abuse my body.
मंकी कैप नहीं डालेगा, आई विल कीप इट ओपन, आई विल नॉट पुट हैंड ग्लोव्स आल्सो एंड गो लाइक दैट एट 7 degrees 8 degrees टेम्परेचर, बट स्टिल आई कुड बेयर दैट, माय बॉडी कुड विदस्टैंड दैट विदाउट एनी प्रॉब्लम. सो दिस वाज अ बिग सरप्राइज बिकॉज पीपल वर सेइंग हाउ यू एबल टू डू, हाउ यू एबल टू एडजस्ट. और वापिस आते समय इट वॉज द सेम स्टोरी, वेरी कूल था यहाँ, और गोवा में आते समय द टेम्परेचर्स वर वेरी हाई, दे वर अराउंड 35-36 degrees. सो अगेन आई थॉट ओके फ्रॉम नाउ दिस cold climate to hot climate, what is going to happen? The moment I reached Goa, that was also okay. So that is the power of our sadhana, that is the power of our Sudarshan Kriya. So at this age, aisa lagega, how it will be possible to bear the temperature differences, bear the climate. But believe me, that is also possible. Wo bhi hum kar sakte hai. Absolutely, koi sardi nahi hui, kuch bukhar nahi aaya. कुछ भी नहीं हुआ है, परफेक्ट विथ माय क्रिया विथ माय मेडिटेशन पद्म साधना. इट रियली बिल्ड्स अप इम्यूनिटी, इट बिल्ड्स अप आवर स्ट्रेंथ सो मच. बाहर का कुछ भी हमारे ऊपर असर नहीं होता है, दैट इज प्रूव्ड बाय व्हाट आई हैव फेस्ड, व्हाट आई हैव गॉन थ्रू. सो देयर आर मेनी थिंग्स लाइक दिस वेर इन वी कैन सी इन दिस ऑन दिस पाथ ऑफ गुरुदेव. There is nothing which is impossible. Everything is possible. That's the thing. So, if anything you want to ask specifically, you can ask, then I can answer. Tell something about Goa, because we all have heard so much. वहाँ पे हम लोग आ सकते हैं क्या 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 चीजें हैं, and how if any culture, क्योंकि हम लोग को भी बहुत मन करता है, because we have heard about the beautiful beaches. If you can tell something about Goa. Yes, Goa is a very unique place and काफी सारी दुनिया में मशहूर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत में, भारत के बाहर भी लोग जानते हैं कि गोवा इज अ प्लेस. वी आर ब्लेस्ड नॉट ओनली विद द बीचेस एंड ऑल दैट, गोवा में गोवा इज जैसे गोवा ने गुरु ने गुरुजी ने जो मीनिंग बताया था वो मैं आपको शेयर करता हूँ. गोवा का पहले नाम था गोमन तक, गो यानी नॉलेज, जहां नॉलेज का मंथन होता है दैट इज गोवा, दैट इज हाउ द नेम ऑफ गोवा हैज कम एज गोमंतक. एंड वी ऑल हैव जनरल पिक्चर, गोवा जाना है तो सिर्फ मजा करना है, फन करना है, ऐसा नहीं है. गोवा इज अ ब्लेस्ड प्लेस इन टर्म्स ऑफ स्पिरिचुअलिटी, यहाँ काफी जगह टेम्पल्स है, चर्चिस है, एंड पीपल हियर फॉलो ऑल रिचुअल्स, दे आर ऑल रिलीजियस माइंडेड. हाँ, उसके साथ भी बीच वगैरह टूरिज्म प्लेस होने की वजह से देर आर होटल्स, देर आर अदर थिंग्स ऑल्सो फॉर एंटरटेनमेंट, एवरीथिंग इज देयर. द मेन क्रॉप ऑफ गोवा इज राइस, एंड गोवा दिस बीइंग अ कोकन बेल्ट, पीपल आर राइस ईटिंग हियर. एंड कैशू, यू नो कैशू इज अ फेमस थिंग, कैशू नट्स आर फेमस फ्रॉम गोवा एवरीवेयर, एंड दी फ्रॉम कैशू एप्पल यू मेक कैशू फेनी विच इज अ लीकर, दैट इज ऑल्सो फेमस, पीपल इंजॉय दैट ऑल्सो. इट इज ऑल्सो हैविंग लॉट ऑफ मेडिसिनल प्रॉपर्टीज अपार्ट फ्रॉम लीकर, सो उसके ऊपर स्टडी नहीं हुई है, बट देर आर मेडिसिनल प्रॉपर्टीज ऑन दैट. एंड बिकॉज वी वेयर अंडर द रूलिंग फॉर लॉन्ग टाइम विद द वेस्टर्न कल्चर, तो उसका भी प्रभाव अभी तक है. सो पीपल एक्सेप्ट द गेस्ट हु कम हियर, they are very nice to them, that is there. और यहाँ का जो एक एटमोस्फियर है ना, क्लाइमेट है ना, वो द मोमेंट यू एंटर द गोवा बॉर्डर्स यू कैन फील द डिफरेंस. यू विल फाइंड हवा इज ऑल टूगेदर डिफरेंट, मे बी बिकॉज ऑफ वी आर मोर भैरव ऑल्सो. ड्यूरिंग काल भैरव यानी विज्ञान भैरव के समय हमने वो भी सर्वे कर दिया है, वी आर ब्लेस्ड विद लॉट ऑफ भैरव इन डिफरेंट टेम्पल्स. सो हर एक जगह भैरव है, सो we have that protection from bhairavs, maybe that is one of the things. So the relaxation what happens in this atmosphere, it cannot be explained. You may not do anything, but if you are here for 2-3 days, apne aap aapko lagega ki you are getting relaxed to a great extent. So when people come and we organize advanced courses for outside people and other courses, jab wo aate hai to itne khush hoke jate hai, bolte hai ki bahut acha laga hai, aur bhi organize karo, hum aa jayenge, har saal aa jayenge. So that is how the Goa is. I organized one DSN course during Independence Day. It is starting on 12th, 12, 13, 14, 15. 12th is the reporting. Oh. 13, 14, 15. Yes.
because we are celebrating 75 years of independence, Guruji says dynamism for self and nation. So we thought we'll celebrate DSN for the 75th year of independence. It's open for everybody. Jo bhi go aana chahte, they can come. We'll make their arrangements and they can also do DSN with us. भैया डीएसएन में इधर कुछ गोवा का घूमने का भी उसी में इंक्लूडेड रहेगा क्या लिटिल बिट ऑफ हां आफ्टर डीएसएन वी ऑर्गेनाइज वन डे फॉर गोवा साइट सीइंग वो भी ऑर्गेनाइज किया है सो एक दिन साइट सीइंग के लिए भी रखा है ओके अच्छा तो भैया बहुत बढ़िया न्यूज़ दे दिया ये तो अब भी आने वाला है सो ऑल द पीपल पैक योर बैग्स एंड गोवा इज वेटिंग फॉर यू एंड डीएसएन करना वहां पे भैया अब जब सब हो ही गया है तो भैया व्हाट इज द डोनेशन अमाउंट ऑफ दैट कोर्स वो भी बता दीजिए हां डोनेशन इज ओनली 3000 बट स्टे चाहिए तो 900 रुपीस एक्स्ट्रा आर देयर फॉर स्टे सो इट इज विद इन 4000 सो मींस 900 फॉर वन डे और ऑल फॉर ऑल नो नो ऑल डेज ऑल डेज ऑल डेज We are doing it temple premises, so we are getting a little concession. Wow. So mall bhi acha rahega, not on the beach par nahi rahe. It is in the spiritual place, Ponda Ramnathi. वहाँ जो जो courses होते हैं, you get a different vibes. So इसीलिए वो place चुना है हमने. Yes. Everybody can come, they will enjoy Goa. Yes. बारा संध्याकाळी कोर्स सुरू होणार आणि 13, 14, 15 तीन दिवस आहे 16 साइट सीइंग असणार ओके अमृता जी पूछ रही है कैन वी डू डीएसएन ऑनलाइन नहीं नहीं डीएसएन ऑनलाइन नहीं होता है यू नीड टू कम टू गोवा कुछ नहीं डीएसएन इज ओनली ऑफलाइन क्या है क्या वहां पे टेंपल ऑफ नॉलेज क्या है आश्रम है नहीं नहीं टीओके टीओके अपना थाने है ना वैसे ही टीओके है टीओके है इट इज देयर बट कोर्स दूसरी जगह हो रहा है टीओके में नहीं हो रहा है कोर्स दूसरी जगह हो रहा है एंड मैं ये बोल रहा हूँ ना ये तो भैया आपने ना मतलब जैकपॉट दे दिया लोगों को क्योंकि वैसे हम लोग सोचते हैं गोवा बहुत एक्सपेंसिव एंड आपने तो पूरे का पूरा बहुत एकदम जबरदस्त ऑफर डिस्क्लोज कर दिया मींस 3000 में डीएसएन एंड 900 में इंक्लूडिंग स्टे ये और वो भी गोवा जैसी जगह में एंड साइट सीइंग का तो ज्यादा भी नहीं आएगा आई गेस उसका भी भैया बता दीजिए टोटल लगभग आपको ना मैं हाँ बता दीजिए भैया साइट सीइंग का अभी चेक नहीं किया है इट विल डिपेंड ऑन कितने लोग होंगे ज्यादा लोग होंगे तो खर्चा कम आ जाएगा कम रहेंगे तो मे बी लिटिल मोर यस सो इट वॉन्ट बी मच ज्यादा नहीं रहेंगे वी विल डू इट एट अ कंसेशनल रेट ये भी मैं बोल देता हूँ कि देखिए कहीं ना कहीं कोई भी चीज आपको इतने सस्ते में शायद ही सस्ता तो छोड़िए कितना गोवा जैसी जगह वो भी इस टाइम में अभी बारिश भी नहीं हो रही है शायद वहां पे बारिश कम हो रही है क्या और एक चीज है हॉलीडेज भी है 15th अगस्त की हॉलीडे है संडे भी मिल रहा है और सैटरडे भी मिल रहा है हाँ वो भी प्रॉब्लम नहीं रहेगा लीव का प्रॉब्लम नहीं रहेगा हॉलीडे का प्रॉब्लम नहीं रहेगा बाकी ये तो बोलता हूँ ये तो बहुत ही मस्त है कि इसमें आप कर सकते हैं और देखिए ये चीज जो होती है ना मैं एक बार आपको बहुत क्लियरली जो लोग YouTube में देख रहे हैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बहुत जन है ना जो सोचते हैं कि कैसे इस टाइम में कैसे फाइनेंसेस मैनेज करे ये करे मैं एक चीज देखता हूँ आज के टाइम में ट्रैवलिंग कॉस्ट बहुत कम है अगर हम लोग ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो आप लोग जो भी है अगर आप ट्रैवलिंग कॉस्ट कट करना चाहते हैं तो ट्रेन टिकट्स बुक करते हैं ऑल ओवर इंडिया से शायद गोवा के लिए ट्रेन आती है राइट जी एंड वहां से आपको कुछ भी नहीं है इट्स हार्डली कॉस्ट कहीं से भी आओगे तो ज्यादा नहीं होता है 1000 के अंदर ही होता है वन साइड का सेकेंड थिंग इज दैट कि यहाँ पे आपको घूमना भी हो जाएगा
कुछ दिन पहले साहिल भैया से एक सेशन लिया था, उन्होंने बोला कि जब हम बाहर निकलते हैं तो हमारे वास्तु दोषाज भी चेंज होते हैं। और तीसरी चीज क्या है, फिर भी आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ मेरा अटक रहा है, ये है वो है, संकल्पा ले लीजिए। संकल्पा लेंगे तो बहुत सारे काम हो जाएंगे। और एक बात जो होता है ना, कई कई जन ये भी सोचते हैं कि एक टाइम में इतना कैसे लाऊं पैसा, कई कई होते हैं फिनेंशियल्स उस टाइम में अलाउ नहीं करते। आप आज के टाइम में ऑनलाइन लिंक भी होता है भाई ऑफलाइन कोर्स का, राइट? BSN कोर्स का ऑनलाइन लिंक भी है ना? नहीं, ऑनलाइन लिंक है, रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन लिंक है, लेकिन ऑनलाइन कोर्स नहीं होता। हाँ, रजिस्ट्रेशन का ऑनलाइन लिंक है, उसमें आप एक काम कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड से पे कर दीजिए अपना, उसको EMI में करा करा के साल में एक ही बार DSN करना है तो इस चीज के लिए तो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मान लो आपको अगर जो 3000 या 4000 कितने का भी आज के टाइम में आप EMI करा सकते हैं, अगर आपको ज्यादा लगता है तो EMI करा दीजिए एक बार में, क्रेडिट कार्ड स्वाइप करके आप पे कर सकते हैं तो। बट यहाँ पे जो आपको मिलेगा ना, वो कितना आपका बैटरी चार्ज करेगा एंड द एनवायरमेंट ऑफ गोवा, मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है ये तो सुपर कॉम्बिनेशन है। सो आप लोग जरूर 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 प्लान बनाएंगे। अमृता जी आप मैसेज कर रही है कि मुझे ऑनलाइन करना है, आप पहुंच जाइए गोवा। मिथाली जी ने DSN का इसका लिंक भी दे दिया है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दीदी कि आप एक बार YouTube में जाके भी ये लिंक डाल दीजिए कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे लोगों को भी मिल जाएगा। और आप गोवा का जो लोग भी प्लान कर सकते हैं जरूर कीजिए, गोवा इज वेटिंग फॉर यू एंड वंडरफुल वंडरफुल। और भी कुछ लोगों को कुछ कहना है, भैया से बात करना है, तो आप प्लीज एक बार अनम्यूट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं या कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। जय गुरुदेव। हाँ, आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, रियली इम्पॉसिबल को पॉसिबल आराम से कर लिया आपने गुरुदेव की कृपा से जी। बहुत अच्छा लग रहा है, यानी इतना इम्पॉसिबल, सच्ची में इतने लोग विज्ञान भैरव में आ गए, सब चैलेंजिंग सिचुएशन, जैसे आपको अपने को फियर के बारे में, आपको डर नहीं था ऐसा आपको लगा, पर आपने फिर टीचर भी बन गए एंड रियली यू आर सेटिंग एन एग्जाम्पल, सो इम्प्रेस्ड बाय योर टॉक एंड द सेशन। थैंक यू वेरी मच। एंड यू डोंट लुक 63, यू लुक ओनली 50, हार्डली 50, दैट ऑल्सो क्रेडिट गोज टू साधना। Nobody will say you are 63. You look very young. It's all Guruji ki krupa. Guruji ki krupa se sab chal raha hai. Wonderful, wonderful. Yes, yes. And itna zabardast. Jo bhi log dekh rahe hain, sabko bolunga. Aaj ka session ka topic hi hai making impossible possible. To aapke liye bhi ek task hai, make this impossible possible. Ab kya 12 tarikh ko Goa mein DSN कर सकते हैं। इफ यू आर थिंकिंग इट इज लाइक इम्पॉसिबल, मेक इट पॉसिबल। आपको ये है कि कैसे पॉसिबल होगा, मैं कैसे आ सकता हूँ, क्या है क्या नहीं है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो नंबर्स दिए रहेंगे ना इस कोर्स के रिलेटेड, उनको कॉल करके पूछिए कि क्या मैं भी गोवा आ सकता हूँ, क्या मैं भी वहां पे DSN कर सकता हूँ। जो भी चीज है वो वॉलंटियर्स आपको, जो भैया का कोर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो आपको रास्ता बताएंगे। उनको कॉल जरूर कीजिएगा, 1% भी आपके मन में इच्छा उठ गई है तो उनको पक्का तुरंत आंख बंद करके पहला जो थॉट आया उनको कॉल करने का ही, बाकी सारी चीजें आगे हो जाएंगी। उनको कॉल कीजिए, उनको बोलो कि मेरा मन है गोवा में DSN के लिए आने का, एंड आगे आपको वो गाइड करेंगे कैसे कैसे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो नंबर्स आपको मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि सब तक ये पहुंचे, एंड भैया के जितने भी स्टोरीज है वो बहुत इंस्पायरिंग है, एंड रियली जिस तरीके से कैसे कोई बड़ी चीज को अचीव की जाती है वो भैया ने बता दिया, ही हैव टोल्ड अस। एंड जो लोग पहली बार आए हैं सब्सक्राइब भी कीजिए इस चैनल को, एंड यस। और भैया जाने से पहले कुछ आखिरी बात जो लोगों को आप कहना चाहोगे? हाँ, the life itself is like that,
अपना जीवन ही तो ऐसा है कि अभी कोई चैलेंज नहीं लग रहा है, और अनलेस हम वी टेक चैलेंज, लाइफ भी तो इंटरेस्टिंग नहीं होगा. सो वॉट एवर कम्स इन फ्रंट ऑफ अस नाउ, आई डोंट फील एनी फियर और एनीथिंग. गुरु जी का तो हमारे ऊपर पूरा आशीर्वाद है, उनकी कृपा दृष्टि है. सो वी हैव टू कीप दिस इन अवर माइंड, जो भी हम कुछ कर रहे हैं ना, वी आर नॉट एलोन, वी आर ब्लेस्ड बाय गुरुदेव, गुरु जी हमारे साथ. और कभी भी फॉर एनीथिंग वी हैव टू कीप एस माइंड, एस माइंड रखेंगे और सिर्फ मन में ये लाएंगे कि आई एम गुरु जी इज देयर विद अस, नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल. दैट्स द मैसेज आई वांट टू गिव टू एवरीवन. जय गुरुदेव एवरीबॉडी, जय गुरुदेव अभिषेक जी. थैंक यू सो मच. जय गुरुदेव. थैंक यू सो मच. यस, एंड लास्ट में मैं एक बात कहना चाहूंगा कि इफ समवन इज स्टेइंग इन मुंबई, तो कल मैं भी मुलुंड में एक फॉलो अप हो रहा है, बहुत अच्छा सत्संग है, वहां पे भी आप आ सकते हैं मुझसे मिलने के लिए अगर आना चाहते हैं तो. सो आई एम ऑल्सो कमिंग देयर, तो उसका भी रजिस्ट्रेशन लिंक आप ले सकते हैं मेरे से, मेरा नंबर तो पता ही होगा. And thank you so much, dear. Thank you so much for coming and sharing this wonderful knowledge. Thank you. Yes. Jai Gurudev. Jai Gurudev.